Hello, students, welcome to Sign Education Channel. Today, in this video, we are going to start exercise 13.3 of 7th class math. Exercise 13.3 is related with two concepts. First one is expanded form, expanded form, and second one is standard form. सेकेंड वन इज स्टैंड एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकालते हैं सपोज करें आपने कोई नंबर लिखा किसी भी नंबर की हम एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकालेंगे सपोज करें आपने कोई नंबर लिखा थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी फाइव इसके हमें एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकालेंगे वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड सबसे पहले हम लास्ट नंबर लिखेंगे थ्री है तो हम थ्री लिखेंगे इसके आगे जितने नंबरस हैं उतने जीरो पुट करेंगे वन वन टू थ्री वन टू एंड थ्री थ्री प्लस एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हम प्लस का साइन ऐड करते हैं प्लस लिखेंगे या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री है कितने प्लेस पर है थाउजेंड और थाउजेंड के लिए हम कितने जीरो लगाते हैं थ्री जीरो सो एड थ्री ज़ीरो प्लस फोर फोर के आगे कितने नंबर्स है वन टू टू जीरो ऐड कर देंगे प्लस सेवन सेवन के आगे कितने नंबर हैं वन सो एड वन ज़ीरो प्लस फाइव फाइव के आगे कोई भी नंबर नहीं है इसलिए हम फाइव एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ तक हमने सीखा प्रीवियस क्लासेस में यदि हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं लेकिन इस चैप्टर में हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे थ्री थाउजेंड को हम कैसे लिख सकते हैं इसे हम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू इसके हम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सेपरेट करेंगे बाय द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेम हम इनपुट कर देंगे प्लस का है तो इसलिए हमने प्लस ऐड किया फोर फेस वैल्यू मल्टीप्लाई प्लेस वैल्यू कितनी है वन हंड्रेड प्लेस वैल्यू कितनी है वन हंड्रेड प्लस फेस वैल्यू सेवन मल्टीप्लाई टेन प्लस फाइव मल्टीप्लाई वन थ्री मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ टेन कितने टाइम्स रिपीट हैं वन टू थ्री थ्री टाइम्स रिपीट है इसलिए हम क्या लिखेंगे टेन रेज टू द पावर ऑफ थ्री प्लस फोर मल्टीप्लाई टेन रेज टेन रेज टू दावर ऑफ टू टेन रेज टू दावर ऑफ टू प्लस सेवन मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ टेन रेज टू दावर ऑफ वन प्लस फाइव मल्टीप्लाई वन इट मीन्स टेन रेज टू द पावर ऑफ जीरो यदि किसी भी नंबर की पावर में जीरो है दैट इक्वल टू वन दैट्स वाई वी राइट है टेन रेज टू द पावर ऑफ जीरो दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर इस तरह हम किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे टाइप नंबर टू में हम यदि हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है टू मल्टीप्लाई टेन रेज़ टू दावर ऑफ थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई टेन रेज़ टू दावर ऑफ टू प्लस फोर मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ वन प्लस सेवन इसे हम नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे टू मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ थ्री मीन्स टेन मल्टीप्लाई इड सेल्फ थ्री टाइम्स वन टू थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ टू मीन्स टेन मल्टीप्लाई इट सेल्फ टू टाइम्स टेन मल्टीप्लाइड सेल्फ टू टाइम्स प्लस फोर मल्टीप्लाई टेन रेज टू दावर ऑफ वन मींस टेन सेल्फ वन टाइम्स प्लस सेवन मल्टीप्लाई सेवन एज इट इज लिखेंगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे टू मल्टीप्लाई वन थाउजेंड टू थाउजेंड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस फोर्टी एंड प्लस सेवन इसे सिंपल ऐड कर देंगे टू थ्री फोर एंड सेवन आंसर वंस टेन हंड्रेड एंड थाउजेंड यहाँ भी चेक कर सकते हैं थाउजेंड के लिए हम कितनी जीरो लगाते हैं थ्री टेन इज पावर ऑफ थ्री एंड हंड्रेड के लिए टू डेंस के लिए वन सेकंड कंसेप्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम डेसिमल पुट करते हैं वन एंड टैन नंबर के बीच में टेन नंबर के बीच में साथ में मल्टीप्लाई करेंगे साथ में इसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को पावर्स ऑफ दी टेन पावर्स कुछ भी हो सकती हैं कट टू स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नंबर लिखा फोर हंड्रेड सेवेंटी टू इस नंबर में क्या कोई डेसिमल है यदि किसी भी नंबर में हमें डेसिमल नहीं दिखाई देती है तो उसके लास्ट में डेसिमल होती है इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी हम डेसिमल्स इसके डेसिमल हम रिप्लेस करेंगे यदि हमने डेसिमल को यहाँ रिप्लेस किया दैट कन्वर्ट इन टू फोर्टी सेवन डेसीमल पॉइंट टू तो क्या ये नंबर वन एंड टेन के बीच में आता है नहीं ये फोर्टी सेवन हो गया तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है अब ये डेसिमल हम कहाँ पुट करेंगे फोर एंड सेवन के बीच में फोर 0.72 सेवन टू क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है है क्योंकि फोर नंबर हमारा वन एंड टेन के बीच में आता है और साथ में क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है टेन रेज टू द पावर ऑफ कितनी जितनी कि हमने डेसिमल को रिप्लेस किया है डेसिमल हमारे पास लास्ट में थी वन टू टू नंबर रिप्लेस किया इसलिए टेन रेज टू द पावर ऑफ टू दिस इज स्टैंड फॉम ऑफ गिवन नंबर इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये इज इट क्लियर यदि हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है और उसमें डेसिमल नहीं है तो हम डेसिमल लास्ट में डेसिमल होता है उसे हम रिप्लेस करेंगे कहाँ तक जहाँ तक कि हमें ये जो डेसिमल है कहाँ रिप्लेस करना है वन एंड टेन नंबर के बीच में वन एंड टेन नंबर कहाँ है फोर कम्स बिटवीन वन टू टेन नंबर तो हमने इस डेसिमल को फोर के बाद में रिप्लेस किया है फोर पॉइंट सेवन टू मल्टीप्लाई टेन डेज टू पावर ऑफ टू दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर